एवरीवन, नमस्कार। और आज हम बनाएंगे लौकी का बिल्कुल बहुत ही कम घी का। प्याज कट कर दिया है, दो छोटी हरी मिर्च कट कर दी है और ये लौकी को छील लिया है। इसको हम कस लेंगे और कसने के बाद फिर इसको आटे में मिला के ही गूंदेंगे हम। तो मैं दिखाती हूँ, बहुत ही जल्दी और हेल्दी पराठा बनेगा इसका। ये लौकी को मैंने कस लिया है, हरी मिर्च प्याज मैंने पहले ही काट दिए थे। अब इसके अंदर डालेंगे हम जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची और नमक। और इसमें डालूंगी थोड़ी 2 चम्मच बेसन। और आटा इतना ही लूंगी जितना इसके अंदर लग जाएगा। इसको हम सब मिला के गूंद लेंगे। ये आटा मैंने देखो मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी लोच लगा देंगे इसमें ताकि हमारे पराठे अच्छे बने। और थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से साफ करके बर्तन को और ढक के रख देंगे आटे को। तवा मैंने गैस पे रख दिया है और इस पे खुले बर्तन में मैंने घी ले लिया है क्योंकि मुझे कम घी के पराठे बनाने हैं आज, बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना है। और ये ले ली है लोई मैंने एक, इसके लगा दूंगी घी अंदर। क्योंकि इसमें प्याज भी है और लौकी भी है। पराठे खस्ता भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे ये बहुत। इसको आज मैं एक की तरफ से सेकूंगी घी लगा के। और इस चम्मच से इसको खूब घी, ये एक सिक गया हमारा, दूसरा डाल दूंगी अब इसमें। सारे पराठे ऐसे ही सेक लूंगी। एक पराठा मैं पूरी तरह से बना के दिखा देती हूँ आपको। ये बन गया है हमारा पराठा, तैयार हो गया है। इसके साथ में देंगे दूध और ये सब्जी। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा भोजन तैयार हो गया है आज का, लौकी के और प्याज के पराठे, सब्जी और दूध।
और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।